तो फ्रेंड्स आज मेरे पास गोदरेज की वॉशिंग मशीन है, इसमें हमें बूफर चेंज करना है। कहने का मतलब हम इसको रबड़ सील भी बोलते हैं, और जो स्पिन की मोटर में जो ड्रम होता है उसके अंदर एक बूफर लगता है जिससे पानी नीचे नहीं जाता और उससे बैलेंस भी बना रहता है ड्रम का। तो वो हमें चेंज करना है, आप साइड में देख रहे हैं इस तरह का, तो ये हमें चेंज करना है। तो इसको आप कैसे चेंज करेंगे? सब मशीन का बेसिक एक ही होता है, क्योंकि उसमें सब में स्पिन की मोटर होती है, वास की मोटर होती है और वो रन करती है, ड्रम होता है, वूफर होता है, सारे सामान सब मशीनों में होता है, लेकिन इनका डिज़ाइन थोड़ा बहुत चेंज होता है। गोदरेज की मशीन में आपको उसका पूरा पैनल खोलना पड़ता है ऊपर का, आपने वीडियो में देखा और आगे मैं दिखा भी दूंगा आपको। तो ये आपको चेंज करना है, और इसको आप चेंज करने के लिए इसका पूरा पैनल खोलना होगा। लेकिन अगर इसकी जगह LG या सैमसंग की मशीन होगी तो उसमें आपको इतना सारा कुछ नहीं खोलना होता है, सिर्फ स्पिन का ढक्कन होता है, उसको लॉक पेचकस से निकालेंगे आप, इजीली निकल जाएगा। और नीचे से बूफर के नीचे जो शाफ्ट होती है ड्रम वाली, उसको नट को खोलेंगे पुली पे से और ड्रम बाहर आ जाएगा। लेकिन इसमें हमें पूरा खोलना पड़ेगा और उसके बाद हम इसमें चेंज करेंगे। तो आगे आप यहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से मैं इसमें चेंज करूँगा। तो इसमें करना कुछ नहीं है, सिर्फ हमको इसका पैनल खोलना है, सारे पेच आसानी से खुल जाएंगे बहुत ही आसानी से। उसके बाद इसकी बेल्ट हटा लेनी है, ब्रेक वगैरह इसका हटा लेना है। अगर मोटर नहीं लगी है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, अगर मोटर लगी है तो इसका ब्रेक वायर भी हटा लीजिए। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसका जब ड्रम बाहर निकल आएगा पैनल खुलकर, तो इसमें पुराना जो बूफर है उसको प्लास से पकड़ के इस तरीके से खींच लीजिए जैसे मैंने वीडियो में आपको दिखाया है। और उसके बाद आपको क्या करना है, इसको क्लियर कर लीजिए साफ, जहाँ पर कोई गंदगी ना हो। और उसके बाद आपको क्या करना है कि नया बूफर लेना है, उसी कंपनी का लेना है, थोड़ा बहुत 19-20 हो तो चेंज लगा सकते हैं, लेकिन आपको सेम उसी कंपनी का लेना है और उसी साइज का लेना है। तो इस साइज से भी काफ़ी फ़र्क आ जाता है, तो हमें क्या है कि हमने उसी साइज का लिया है। और इसको हम यहाँ पर इस पर ग्लू चिपकाएंगे, ग्लू चिपकाने के बाद इसको ऊपर से प्रेस करेंगे, नीचे से अगर आप किसी की मदद लेते हैं तो बहुत आसानी से बैठ जाता है, क्योंकि एक साइड से एक बंदा प्रेस करेगा, नीचे से कोई दबा के उसको रखेगा या फिर हाथ चला के उसके लॉक को नीचे की तरफ खींचेगा तो बहुत ही ईजीली बैठ जाता है। अब यहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरीके से मैंने इसको चेंज किया है, और इसको जब हम इस पर मतलब बॉन्ड कोई भी चिपका सकते हैं, जैसे PVC की आती है उस तरह की कोई भी चिपका सकते हैं ग्लू इस पर, और उसको चिपकाने के बाद ये बिल्कुल जाम हो जाता है। लॉक नीचे आप देख लीजिए, सारे लॉक इसके बैठ जाने चाहिए, जैसे यहाँ पर आप मैं आपको दिखा रहा हूँ इस तरीके से बैठ जाने चाहिए। और जब ये लॉक बैठ जाए तो इस पर आपको क्या करना है, ड्रम पर ऑयल लगाना है, ड्रम पर हल्का सा ऑयल लगाना है, चाहे वो मशीन वाला ऑयल होता है जो सिलाई मशीन होती है उसका ऑयल हो, या फिर बाइक इंजन ऑयल होता है जो वो भी हो। और इसकी साफ को अच्छे से साफ करके इस पर ऑयल लगाकर फिर इसको वापस लगाएं और इसकी पुली पर कस दें, जहाँ पर इस पर कट का निशान होता है नट का, वहाँ पर इसको अच्छे से टाइट कर दें। उसके बाद आपका बूफर चेंज हो जाता है और वॉशिंग मशीन आपकी बिल्कुल ओके हो जाती है। अधिकतर स्पिन की मोटर ख़राब इस बूफर की वजह से होती है, बूफर लीक होता है, थोड़ा थोड़ा पानी निकल कर मोटर के अंदर जाता रहता है, जब तक मोटर क्रॉस नहीं होती है तब तक चलती रहती है, और जैसे ही मोटर मतलब क्रॉस हो जाती है यानी कि शॉर्ट हो जाती है, उसके बाद आपकी मोटर बंद हो जाती है। तो इस तरीके से ये काम करता है, इस तरीके से आप इसका बूफर चेंज कर सकते हैं। बूफर के प्राइस अलग अलग हो सकते हैं, 19-20, अधिकतर 100 से 150 रुपये का बूफर आपको मिल जाता है, लेकिन कि क्वालिटी और कंपनी के हिसाब से थोड़ा कम ज़्यादा हो सकता है। अगर आप ऑनलाइन परचेज करते हैं तो ऑनलाइन भी आपको मिल जाते हैं, ऑफलाइन किसी भी स्पेयर पार्ट वाले की दुकान पर मिल जाते हैं, जहाँ पर स्पिन यानी कि वॉशिंग मशीन का सामान मिलता है, तो वॉशिंग मशीन AC फ्रिज का मिलता है, वो ये मतलब सामान को रखते हैं स्पेयर पार्ट को, तो इजीली कंपनी के हिसाब से आपको मिल जाएगा और आप इसको चेंज कर सकते हैं, कोई भी दिक्कत आपको उसमें नहीं आएगी। इसके अलावा कोई भी कैसा भी सवाल हो आप हमें कमेंट करें, हम उसका रिप्लाई देंगे, और इसी तरह की नॉलेज वाली वीडियो आपके लिए लाते रहेंगे। अगर आप हमें फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, और अगर आप हमें यूट्यूब पर देख रहे हैं तो यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, और साथ साथ में ऑल नोटिफिकेशन बेल पर भी क्लिक करें, ताकि आने वाली हर वीडियो तुरंत आप तक पहुंच पाए और आपसे कोई भी यूजफुल जानकारी मिस ना हो। तो दोस्तों मिलेंगे आपसे नई वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।